गवर्नमेंट थोड़ी है, गवर्नमेंट है बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। देखा आपने कि किस तरह से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर भाजपा पर बयानी हमला बोला। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर योगी। साथ ही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल सपा सांसद का मानना है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। आपको बता दें कि संभल में एमएलसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा एमएलसी चुनाव में सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा प्रधानों को धमकाने वाले बयान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बर्क ने कहा कि यदि इस तरह से धमकाया जा रहा है तो ये गलत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करना भी गलत है। यूपी में योगी काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से कर रहे हैं, यूपी में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। वो वोट मेरा हक है, राइट है, मैंने उसको इस्तेमाल किया। एमएलसी चुनाव में क्या मानते हैं? चुनाव का ये तो रिजल्ट के ऊपर है, मैं क्या मानूं। अच्छा सांसद जी, संभल से समाजवादी पार्टी की जो ब्लॉक प्रमुख हैं सुषमा देवी, उन्होंने आज भाजपा को समर्थन किया है, भाजपा का चुनाव लड़ा रही हैं। ठीक है, उनकी राय मेरी क्या है। सांसद जी, अभी अखिलेश यादव जी ने अभी आरोप लगाया था कि जो प्रधानों को सत्ताधारी दल के लोग धमका रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? अरे भाई, अगर धमका रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, और न धमका रहे हैं तो प्रोपेगेंडा गलत। गवर्नमेंट थोड़ी है, गवर्नमेंट है बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसका मतलब योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे हो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। वही देखना होगा कि कब जाकर ये जबानी जंग खत्म हो पाएगी।